और शहर में ये अंतर है कि गांव का जो क्लाइमेट है वो हमें कहीं मिल ही नहीं सकता। शहरों में हम एसी चला रहे हैं, वो चला रहे हैं, वो सब हमारा आर्टिफिशियल है। यहाँ पे हमें नेचुरल हवा मिल रही है, नेचुरल पानी मिल रहा, खाना के टेस्ट अलग है ना। मैं तो हर कंट्री से घूम के आ रही हूँ, पर जो गाँव का माहौल है वो कहीं नहीं मिल सकता हमें। अगर वो उत्तराखंड के कल्चर की बात करूँ तो उत्तराखंड का कल्चर था बढ़िया सी भाई, कि अगर आप कहेगा गौर मजोला से आप तो पछाड़ नहीं बोला, फिर भी आप तो बोला कि चाय पिया, पानी पियो, तुम खानो खा, खानो खेता जा, तो था बढ़िया कल्चर सी हमारा उत्तराखंड हो, आप के भी गौ मजोला। तो आज फिर एक नए दिन और एक नई दिन है शुरुआत एक नया गाँव से, जेगनोची उतरसू। उतरसू काफ़ी सुंदर गाँव ची, और अगर कभी घूमने मन बोले तो ये गाँव में जरूर है ना। तंत जता भी गाँव में ना आप तो दिखाए छ, सभी गाँव काफ़ी सुंदर से ना, और सब गाँव की रौन तरीका और जो परंपरा से सबकी अलग अलग सी, ठीक है ना। अगर आप अपन ये गाँव देखो तो मैं डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप में दे दे दूँ, आप ये गाँव में ए भी सदन तक बड़ी देखी भी सदन की गाँव करना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो गाँव की शुरुआत रोड बटी स्टार्ट हो जाए देखना चाहिए, ये रोड ची और रोड आ ठीक पैन बटीन गाँव की शुरुआत हो जाए, पूरे गाँव से देखना चाहिए सामने बटी गाँव स्टार्ट हो जाए, और लगभग 150 या 200 मवसर रहने गाँव में, मतलब 200 परिवार रहते हैं इस गाँव में, ठीक है। कि लोग थोड़ी बात करते हैं कि लुआ कहना चाहिए ना, और गाँव देवता की गाँव कहना चाहिए भाई, ठीक है ना। चला आज शुरुआत कर देना और गाँव में चल रहा, और गाँव में देवता गाँव में क्या क्या चीज़, और सब गाँव थोड़ी बात करता और आप तक गाँव दिखाना। चला फिर तो गाँव का रोड में दुई बटा चाहिए, यो एम यो गेट सी यो बनी यो बनी जिस तुम, और यो बटू अग्नि बटिन ची, तो मैं था अग्नि वो बटू सरल ची, मैं था तो मैं अग्नि बटिन जोलूँ, ठीक है ना। आप ये मर्जी आप के बटा भी ये सदन, और ये रोड आठ के बगल में गाँव को मार्केट ची, लगभग 5-6 दुकान छन, ठीक है ना। तो गाँव को छोटो मार्केट बेची, हर गाँव में ये मार्केट छोटे छोटे मार्केट ना जनी मार्केट ची हम, और ये गाँव को बटू ची काफ़ी सुंदर बटू बनाई भाई, बहुत बढ़िया। ये काफ़ी बढ़िया बात है कि रोड आठिक बगल में गाँव के लिए, कि काफ़ी लोगों तक दिक्कत होनी, और खास करके पहाड़ी से था दिक्कत होनी छोड़ने के लिए, कि तू तो आदत पड़ी रही बचपन बैठे ना, कि तू क्या रोड भी नहीं बोलते, फिर भी इसी काफ़ी चढ़िया कर दन, ठीक है ना। क्योंकि जो गाँव का बोला ना पहाड़ी लोग होना उनसे काफ़ी ज़्यादा मेहनती लोग होना, बहुत ज़्यादा मेहनती लोग, ठीक है ना। और बचपन से लेकर बुढ़िया तक से काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करता अपन ज़िंदगी था, बहुत ज़्यादा संघर्ष, ठीक है ना। तो तू तो रोड बन या ना बन यही बात ही, कोई बड़ी बात नहीं, मगर रोड एक गाँव में तो काफ़ी अच्छी बात है, रोड तो बहुत चीज़ बड़े हुए जन गाँव को विकास हो, बहुत बड़े चीज़ हुई रोड ओण से। तो एक गाँव को विकास तभी हुई जाना चाहिए, बटो काफ़ी बढ़िया बने, तो बटो देखी लगना चाहिए कि गाँव को बहुत अच्छी विकास हुई, ठीक है ना। तो शायद से ये आंगनबाड़ी स्कूल थी, और यहाँ पर यह चीज़ लिखी थी, हम सबका एक ही नारा, साफ़ सुथरा हो गांव हमारा, तो काफ़ी अच्छा नारा लिखा हुआ है इस पे भाई, ठीक ना। तो मेरे सावन आंगनबाड़ी स्कूल से जो लगभग ज़रा टूटी है हूँ, काफ़ी पुराने आंगनबाड़ी स्कूल बोली, अब शायद से नई स्कूल बनी बोली आंगनबाड़ी स्कूल, ठीक है ना। हर गांव में आता है आंगनबाड़ी मिल ली आंगनबाड़ी या सरकारी स्कूल नहीं बोली, 1, 2 या 3, 4 तक नहीं बोली गाँव में तो नहीं छे, ठीक है ना। जो बड़ा बड़ा काफ़ी बड़ा बड़ा गाँव छे तो मत स्कूल रन दीजिए, लगभग 1 भी रनी, 5 तक रनी, 10 तक रनी, ठीक है ना। मैं काफ़ी कम गाँव वाला जो मैं आंगनबाड़ी स्कूल नहीं होनी, नहीं तो लगभग सभी गाँव में आंगनबाड़ी स्कूल होनी होनी, सरकारी चीज़ बड़े दिन से छोटा लोड़ होता जो बच्चा लोड़ो छोटा लोड़ो रहा। और हम तो बटा में मंदिर मिली, और यू गाँव में जाना बटू जी, हम गाँव में तो भीतर एंटर वे गाँव का भीतर पहुँचे हम, और ये देखना चाहिए कि लाखड़ा छ जो लोग सर्दियों में यूज़ करते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं खाना बनाने काम आते हैं ये लकड़ियाँ, तो ये जंगल से लेके आते हैं लकड़ियाँ को, और ये जता भी छू शुरुआत में साल छ जता भी साल छू जोड़ा छू सब, और ये झोड़ा छ, ठीक है। तंत हिंदी में लाखड़ा बोलन और गढ़वाली में झोड़ा बोलन, ठीक है ना। तो ये लाखड़ा ठंडियों में काम होता ठंडे से बचना था, कि लेकिन ऊपर साइड काफ़ी जन जन पहाड़ जन जन ऊपर ऐसे साइड जल गाँव गाँव में तन तन ठंड बने रहनी, ठीक ना। यो अभी तक ठंड से जरा जरा ठंड से जी, अगर जे हिसाब हम मुड़ जाओ तो हिसाब तो ठंड नहीं, मगर जन जन पहाड़ ऐसे चलो तुम तन तन ठंड बने रहने का। और ये मु दादी जी जी दादी क्या कहना था मुँह तुम, अच्छा घर ना समझना
अच्छा अच्छा, ये सब साल से नहीं अच्छा अच्छा ठीक ठीक। तो यह बड़ी जगह भाई गाँव, तो गाँव की शुरुआत हुई कि अभी ऐस मुझ साली से और यह बड़ी पूरा गाँव स्टार्ट हुई ठीक है ना। तो देवाना चाहिए यू यू को खेती करी ठीक है ना, छोटा छोटा स्वगड़ा छे और प्याज और धनिया लगाई वो ज़्यादातर। और ये फसल थी देखो ना, ये काफ़ी बढ़िया बात है कि लुगुता कहले कि बहुत गाँव यहाँ से जो का बहुत दूर दूर तक पौड़ा बना गाँव से काफ़ी दूर दूर तक पौड़ा बना ठीक है ना। मगर ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये गाँव में घोरा से ठीक समय पर पौड़ा छे देखो ना, तो घोरा ठीक समय पर पौड़ा छे लोग भाई, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यमू साइज से ये पुराने मकान थी, काफ़ी पुराने मकान बोले लगभग 60-70 साल पुराने मकान थे सब जैब से नमू साइज से ये मकान पर नहीं काम होना या नहीं बनने वाले मकान के लिए कि अब ज़्यादातर पहले जो लोग था से ज़्यादातर पत्थरों यूज़ कर सा, मतलब जो मकान बनाना था जो पत्थरों बनाना था, अब तो जन जन अग्नि बढ़ना तन तन ईट एगिन बहुत सी चीज़ एगिन ठीक है ना। अब जोड़ना चाहिए शायद से अब ईटों प्रयोग हो ये मकान तोड़ना चाहिए जो पुराने मकान छे, तो ये पुराने मकान बहुत कम अब गाँव में बहुत बहुत कम छे पुराने पुराने मकान, तन लोगों ने आज डेट में नई नई मकान बढ़े ईटे मकान बढ़े लिख गया। कुत्ता नहीं हो कुत्ता, और ये खा गौर सिंह भाई ये गौ का तो भाई मैं गयो बोलो गो का बिल्कुल बीच में और यह बड़े गो देखो कुछ जाना दिख दू लगभग घोरा वोर पर सब होगा पौड़ा ही पौड़ा छिन भाई, तो देखना छिन क्योला डाला छिन हम मल्टा डाला छिन आमा डाला छिन और ये यू का खेती जी फसल से नहीं आता काफ़ी खूबसूरत से गाँव थी भाई बहुत बढ़िया गाँव। तो मैं यहाँ पर गांव में आया हूँ बीच में और यहाँ पर मुझे दादी जी मिली है, तो यहाँ पर आलू दिख रहे हो ये आलू का खाचन दादी ये खाचन ये गोरा चन गोरा, तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर प्याज से लेकर सभी चीज़ होती है आलू आलू उलू सभी होता है सब्जी मतलब सभी होती है, मार्केट से कुछ लेके नहीं आते ना आप ना दुकान आजकल नया अच्छा आजकल नया ज्यादातर इसने घर जितना भी चीज सब घर ही भोजन का तो दस हजार कुछ बताओ ना चीज मतलब मेहनत करते वो सब दाम होनो बरखा हुआ तो तब होनो बरखा नहीं हुआ तो। सन 85 में जब मेरी शादी हुई थी तो उस समय इस गांव का मतलब कुछ और वो था, मतलब बहुत अच्छा माहौल बहुत अच्छा वो था, मतलब हर चीज़ होती थी तो मतलब गांव में आके अच्छा भी लगता था क्या कि गांव है यार अच्छा लगता है, मतलब उत्साह से होती थी हमें आने की गांव में। धीरे 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 मतलब यार पता नहीं क्या हुआ अब हर मतलब क्लाइमेट चेंज होने के चक्कर में हुआ या जो भी हुआ मतलब अब वो चीज़ नहीं रखी है क्या, मतलब गाँव का प्यार प्रेम भी कम हुआ, मतलब दिन पर दिन मतलब भाई भाई का दुश्मन हो गया, मतलब खेती में भी वही अनाज में वही हो रहा खेतों में कुछ नहीं हो रहा। अब इस ये हमें खुद समझ में ये ऐसा क्यों हुआ खुद ही समझ में नहीं हो रहा कारण। गाँव और शहर में ये अंतर है कि गांव का जो क्लाइमेट है वो हमें कहीं मिल ही नहीं सकता, शहरों में हम एसी चला रहे हैं वो चला रहे हैं वो सब हमारा आर्टिफिशियल है, यहाँ पे हमें नेचुरल हवा मिल रही है नेचुरल पानी मिल रहा है खाना के टेस्ट अलग है ना। मैं तो हर कंट्री से घूम के आ रखी हूँ पर जो गाँव का माहौल है वो कहीं नहीं मिल सकता हमें, इसलिए आजकल के जो ये नई ये है पीढ़ी है ये लोग भाग रहे हैं शहर की तरफ, पर मेरे हिसाब से तो यह कि गांव के बराबर बेस्ट कोई चीज़ नहीं है लाइफ नहीं है। हम तो रिटायरमेंट होके भी गांव की तरफ हर 6 महीने में घर आ रहे हैं और अपने घर में आके देख रहे हैं अच्छा लग रहा है, मेरा तो अपना विचार यही है। देखो दिन पूरा गाँव यानी जी घोरा ठीक बगल पर पुंगड़ा पुंगड़ा छोटे छोटे पुंगड़ा
फेड फेड घर नहीं क्या कर रही हरिद्वार नहीं अच्छा घर घूम नहीं अच्छा तो ये है घरिया भाई ठीक है बहुत बड़े बात यार ठीक ठीक ये तो क्या बोलनी था रंगोड़ू अच्छा रंगोड़ू अच्छा मटियोल ये मटियोल तो मेरे को पता है लोहे का बनता नहीं तो आपने तो लकड़ी का बना रखा है अगर मैं उत्तराखंड के कल्चर की बात करूं तो उत्तराखंड का कल्चर था बढ़िया सी भाई कि अगर आप कहेगा घर मजोला से आप तो पछाड़ नहीं बोला फिर भी आप तो बोला कि चाय पिया पानी पियो तुम खाणो खेता जा तो था बढ़िया कल्चर जी हमारा उत्तराखंड हो आप के भी गाँव मजोला बहुत मीठी बोली ची आप के भी गाँव मजोला तो बहुत इज्जत से आप तब बिठोला चाय पी लोला ठीक है ना तो ये हमारे उत्तराखंड कल्चर ची हर गाँव में ये चीज़ ची ठीक है ना आप तक कहीं भी अलग नहीं मिलने खास करके अभी तक मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट वाला गाँव में घूमूँ तो अभी तो सब चीज़ यानी सेम दिख होनी मैं था ठीक है ना अभी फिर मैं पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में भी जोलूँ फिर टिहरी डिस्ट्रिक्ट में जोलूँ तो क्या चीज़ दिखोली से चीज़ मैं आप तक बाद में बतौलूँ के लेगी अभी उत्तराखंड गाँव छिन बहुत ज़्यादा बहुत गाँव छिन लगभग बहुत गाँव छिन जो मैंने अभी तक जान ची भाई ठीक है ना तो चलो आज थाई ची ठीक है ना मिलता फिर अगला ब्लॉग में अगर वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक और कमेंट जरूर करें और भाई शेयर भी जरूर करें ठीक है ना और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें ठीक है ना आप तक भी शॉर्ट वीडियो काफ़ी बड़े दिखोली और मिल रहा फिर नया गाँव में ओके बाय टेक केयर।